में इतनी ठंड है, ऐसे ऐसे हुआ। सो यहाँ पे रात की तैयारी दिन में करनी पड़ती है, अदरवाइज जैसे ही सनसेट हुआ यू विल नॉट बी एबल टू एनीथिंग क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो बी प्रिपेयर्ड। साढ़े 6-7 बजे से सनराइज़ हो चुका था, इस तरह की क्रिस्प धूप, एंड यू कैन सी अभी भी यहाँ पे यू कैन सी दिस। तो ये टेम्परेचर का आइडिया आप लगा सकते हो इससे, और रात को क्या होगा वो भैया हमें कल ही पता लगेगा। और उसके साथ में ये देखो, ये जो चिपका हुआ है ये उतरना ही नहीं चाह रहा है। अमेजिंग यार, ठंड हो तो ऐसे। भाई लोग एक वीडियो एडिट कर रहा था आप लोग के लिए, उसके साथ में देखो बाहर कितनी धूप है इस टाइम पे, और भाई साहब स्टिल फ्रीजिंग कोल्ड इनसाइड, मतलब बिल्कुल। और आई एम श्योर की गाड़ी पे से भी अभी तक बर्फ गिरी नहीं होगी उतर के, तो क्या ही लेवल की ठंड है भाई। इधर -20-20 तो चल ही रहा है मेरे ख्याल से, रात को बर्फ, गजब की ठंड। ओहो, लेट्स सी कल मॉर्निंग में क्या होता है। तो सिस्टम भी सुबह था आई गेस 47% पे, और अब सोलर से हम लोग 88% पे ले आए। इसको चार्ज करना मजाक नहीं यार, बहुत टाइम लगता है। फिर उसके साथ में फिर मैं डिवाइसेस भी चार्ज करता जा रहा था इससे, तो ऐसा ही है। बाकी रात बहुत ही ज़्यादा ठंडी रहने वाली है। तो हम लोग अभी हैं 4551 मीटर्स पे, क्योंकि हम श्योर कि जो अपना लेह मनाली हाईवे वो खुलेगा नहीं, तो हम कल आराम से निकलेंगे। आधा दिन तो पहुँचने में ही पास हो जाएगा, फिर फ्यूल डलाएंगे, और खारू से फ्यूल डला के फिर शायद मैं भी परसों ये रास्ता खुल जाए और हम फिर इससे निकल जाएं। कड़क धूप में भी ठंड, अलग ही बात है, पहली बार फील कर रहा हूँ ऐसा। ओहो, 4 बजे अभी और इतनी कड़क धूप में भी इतनी ठंड है भाई साहब। कहीं हम पंगा तो नहीं ले रहे, कहीं सुबह गाड़ी का सब कुछ इंजन ऑयल वंजन ऑयल सब फ्रीज हो जाए और स्टार्ट ही ना हो गाड़ी। वी हैव नो आइडिया। अब ब्रेक बिल्कुल अलग लग रही है कहीं पे, वो देखो व्हाइट परछाई आ रही है उधर से हिल्स की,
तो पानी वाइट दिख रहा है, कहीं पे ब्लू दिख रहा है, कहीं टॉकीज दिख रहा है। ओए होए क्या ही स्वर्ग है भाई। थोड़ी सी धूप ले लें ले, क्योंकि टेंट के अंदर तो भाई साहब फ्रीजिंग कोल्ड फील हो रहा है, क्योंकि हम समझ रहे हो ना भैया, जगह ही ऐसी है, क्या करें। धूप लग रही है थोड़ी सी, तो बॉडी वार्म अप होगी। बहुत ठंड है भैया, दोपहर में इतनी ठंड है। बाय द सन इज शाइनिंग। पिघली तो है, बर्फ भी पिघली है अभी तक भी। अपना देखो, ध्यान से देखो तो, ये हमारी गाड़ी में से गिरे इतने बड़े बड़े टूट के, पूरी गाड़ी हिल गई थी। और इधर भी टायर के ऊपर जो पड़े हुए हैं निकल के, तो पूरी क्लैडिंग के अंदर से ये झड़ गए हैं। और देखो भाई साहब, ये चाकू निकल निकल के जो धरती में गड़े हैं, ये हमारी गाड़ी में से गड़े हैं ऐसे ऐसे। वाह, इधर भी इट्स गोइंग डाउन, उतर के गिर रहा है नीचे। और ये भी पिघली है, मे भी अपना यहाँ पे जमीन सोख रही है या जो भी है, बट यस इट्स हैपनिंग। यहाँ भी देखो नीचे कितना टूट के गिरा है, ये फ्रंट से भी ये गिर गया निकल के। यही मुझे लग रहा था कि आवाज़ आई थी मुझे एक। ओह निकलो भाई साहब, ये है हमारे शवल का एक्सटेंडर, बहुत ताकतवर है, कैन बी यूज्ड एज अ सेफ्टी टूल एज वेल। तो भैया तुम चलो नीचे पहले। अब ये चलो भाई, उतर ही गए हो तो नीचे चलो, इसको भी गिरा दें। सिस्टम हिला दिया इसने तो। यार गंदा हो गया भैया, मतलब गाड़ी 20-30 किलो तो बर्फ ही लेके चल रही थी कम से कम। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़, जल्दी ही सन इज़ गोइंग डाउन, और क्योंकि सामने वाले पहाड़ से अगर हम देखें तो थोड़ा सा ही ऊपर बचा हुआ है, तो जैसे ही सन डाउन जाएगा विंड चिल फैक्टर होगा गजब। तो हमें फटाफट से जो खाना है इसी टाइम पे बना के खा लेना है, उसके बाद में टेंट के अंदर घुस जाना है और हीटर चला लेना है, नहीं तो सर्वाइवल मुश्किल है यहाँ पे। ओके ओके ओके, क्या खाएं क्या खाएं भैया, क्या खाएं। सबसे पहले तो बनाएंगे मसाला ओट्स, फास्टेस्ट वे, इजी ऑन स्टमक। उसके साथ में फिर स्क्रैम्बल एग्स खा पी के, से पहले अंदर देखो, उधर सामने ऑलरेडी छाया आ चुकी है और हवा भाई साहब यहाँ खड़ा नहीं हो जा रहा, इतनी ठंडी, वो भी सनशाइन के अंदर। अब जब सन गायब होगा तो भैया क्या होगा। भाई साहब जो बीवी ने मसाला बना के दिया था, क्या ही टेस्टफुल स्क्रैम्बल्ड एग्स बन रहे हैं। बट मुझे फटाफट खा के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि स्मेल से डॉग्स अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो खाना रेडी भाई साहब, खाना खा के, ये देखो धूप ऑलरेडी जा चुकी है, अब चुपचाप से अंदर घुसने का टाइम आ गया है। भाई साहब क्या मज़ा आता है स्नो में चल के, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो गई अब ये, परंतु फुल ऑन स्वाद। अब कैमरा जस्टिस नहीं करता, ये जो ग्रेडियंट्स हैं जहाँ से गाड़ियाँ चढ़ वड़ के आई थी सुबह, बाकी भैया नज़ारे तो गॉड लेवल है इधर।
भाई साहब, इस जगह ने ठंड की डेफिनेशन बदल देनी है कल सुबह तक। और मेरे को अपना डर नहीं है, हम तो फिर भी मैनेज कर लेंगे। हीटर चल रहा है, कुछ हद तक तो कंट्रोल करेगा ठंड को। पर भाई साहब, गाड़ी के क्या हाल होंगे। कवर तो किए जहाँ से कर सकते थे, बट ये बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग कोल्ड वाला सीन है। मतलब समझ रहे हो ना, बस ठंडी बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं क्या कहानी रहेगी। अब गोप्रो मैंने लगाया था एक टाइम लैप्स के ऊपर, भाई साहब ठंड के मारे मर गया। मतलब बोला जी अब नहीं हो पाएगा, बंद हो रहा हूँ मैं तो। भाई आज तो तगड़ा कलेश हो गया है। 5 बजे, 5:30 बजे के आसपास मैं टेंट में एंटर कर गया था। फिर मैंने सोचा भाई कोई वीडियो शीडियो एडिट कर लें, फिर मन नहीं किया, लगा चलो आज सोया जाए। आई होगी नींद कभी 7-8 बजे के आसपास थोड़ी। अभी लगभग 1 बजा हुआ है और ठंड इतनी ज़्यादा है कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह या जो भी चीज़ें हैं वो सब जम गए हैं। इवन देन जब टेंट के अंदर हीटर चल रहा है, जो चीज़ें टेंट की एक्चुअली बाहर की लाइक लेयर से टच है, लाइक मैं कॉर्नर्स में लगा देता हूँ उनको कि भाई जगह बीच में मतलब मुझसे टच ना हो, हिट ना करें, तो वो चीज़ें सब जम गई हैं। तो आप देख सकते हो भैया, इम्पॉसिबल है यहाँ पे। गाड़ी तो लोकल मुझे बोल रहा था कि भैया गाड़ी मत लगाओ यहाँ पे, स्टार्ट नहीं होगी सुबह। तो मैं तो भैया हीटर पे ही दारोमदार रख रहा हूँ कि सुबह तक ये ख़राब नहीं होगा या जो भी रहेगा। तो अगर ये इसको कुछ होता है तो हम फंस गए समझ लो। गुड मॉर्निंग जी, लगभग 6 बज गए हैं सुबह के। तो भाई साहब गेम हैज मूव्ड ऑन। फ्रेश स्नोफॉल और बहुत ज़्यादा नहीं हुई है वैसे, क्योंकि अपने टायर्स के ट्रैक्स अभी भी विजिबल हैं। तो ये मतलब ऐसे नॉर्मल सा माहौल, और आज और ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है मुझे उधर की तरफ, पीछे की तरफ। तो भैया जल्दी से जल्दी तैयारी कर लो, इतनी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, इट्स मिस्टी, थोड़ा सा इस तरह का फ्रॉस्ट है, सॉलिड वाला फ्रॉस्ट है, पर मतलब समझ रहे हो ना, चिपक गया है। और ये रात को मैंने ये अरेंजमेंट किया था, तो अब मैं सनराइज़ की उम्मीद नहीं कर सकता। मतलब कुल मिला के बात है तो मैं कोशिश कर रहा था कि थोड़ा सा इस वाली साइड से इंजन बचे। तो अब बस तैयारी करते हैं भैया गाड़ी को वार्म अप करने की और यहाँ से निकलने की। शायद ऊपर तो बहुत सॉलिड स्नोफॉल हो रही है, तो मुझे नहीं लगता भाई लेह मनाली हाईवे खुलेगा, ऐसा ना हो अपने को इधर से ही जाना पड़े जोजिला की तरफ से। टेंट का कवर रखड़ गया, एक्चुअली स्नो से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, चिल से फ़र्क पड़ता है। चिल बहुत ज़्यादा है ना, तो ये बिल्कुल अकड़ गया है। तो इसने जो क्रीजेज बना ली हैं अपनी, खुलने का नाम नहीं ले रहे हैं अभी। लेट्स सी कितना मशक्कत करवाएगा। अभी मेरी उंगली टच हो गई, ओह चिपक गई थी बिल्कुल। शिट यार टाइट हो गया ना, लग नहीं रहा ढंग से। लेट्स सी गाड़ी एक बार फिर ट्राई करते हैं। 10 मिनट से ऊपर हो गया हीटर चलते हुए।
ओह यस, आई फील इंजन ब्लॉक तो ठीक है अब इस टाइम पे। नीचे के सेक्शंस जैसे और चीज़ें फ्रीज हैं मेरे ख्याल से, मुझे जो लग रहा है। सनशाइन भी आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो वैसे पीछे वाली हिल पे अगर आई है उधर, तो फिर इधर भी आने वाली होगी। बट फिर भी यार इट्स टू कोल्ड भाई साहब, आज तो कुछ मामला ही है। क्या हो गया भैया? कवर किसी तरह से खींचा खाचा है पर चेन नहीं लग रही अभी। तो जी, दीज आर एक्सट्रीम वेदर्स। यहाँ पे तो पेट्रोल वाली गाड़ी ठीक है। या तो जी, अब थोड़ी देर बाद टाड़ा बोलने का टाइम आ गया है। लेट्स सी कितनी देर और लगती है। तो भाई फ्रीजिंग जगहों पे अब देखो, जैसे ये कल से ये सींग ही नहीं टूटे हैं, तो अब क्या ही उम्मीद करते हो। लेट्स चेक टायर टेम्परेचर, टायर्स का क्या टेम्परेचर है। फ्रंट लेफ्ट टायर में 25 PSI 0 डिग्री सेल्सियस, राइट में 25 PSI 2 डिग्री सेल्सियस, राइट साइड रियर में -3 डिग्री सेल्सियस 28 PSI, और लेफ्ट साइड रियर में -5 डिग्रीज 27 PSI। तो जी देख सकते हो क्या ही टेम्परेचर होंगे रात को। तो आज तो यार हद ही हो रही है, आज तो अपनी चेन भी टूट गई। चेन भी टूट गई तो कवर को ऐसे ही रखना पड़ेगा। दैट मीन्स अब ये फ्रीज इतना हो गया यार कि कुछ करने ही नहीं दे रहा। इट्स सो हार्ड, और मुझे शायद इतना एफर्ट नहीं लगाना चाहिए था। टूट गई। आई गेस हो गया आपकी बार तो स्टार्ट। तो दोस्तों, दिस सीम्स लाइक एंड ऑफ आवर कैंपिंग डेज, क्योंकि इतनी ठंड में विदाउट जो अपना ये लूप टूटा है चेन का, इसके बिना टेंट नहीं खुल पाएगा। सो आई गेस अब देखना पड़ेगा कि क्या कहानी है, कैसे जाना है। लेट्स सी, अगर ले मनाली ओपन हुआ होगा तो ठीक है, नहीं हुआ होगा तो वी नीड टू टेक JK वाला रास्ता। वी इन्जॉयड अलॉट। अब 4 घंटे नीचे पेट्रोल पंप तक जाने के लगेंगे, वहाँ से फ्यूल लेंगे, और उसके बाद में फिर हम बढ़ जाएंगे आगे। तो एक लास्ट व्यू ले लेते हैं लेक सोमोरीरी का। और यहाँ पे जो बैटरी के साथ बन रहा है ना भाई, वो ये गैजेट से जानते हैं, 80% से सीधा 20% हो जाती है, -10 कम से कम अभी भी होगा। गॉड बड़ा वैदा, जब कहीं पर टेम्परेचर -10-15 होता है और आप लेक के पास आ जाओ या किसी वाटर बॉडी के पास आ जाओ, तो जो विंड चिल है वो -35 टाइप की होती है उस टाइम पे। तो क्या ही करे यार, गाड़ी भी सारा खेल है विंड चिल का। विंड चिल फैक्टर इज क्रेजी थिंग। और कैमरास की तो बैटरी नहीं चल पा रही है यार, इतनी ठंड है। इसको देखें अगर ये कुछ करे तो, अभी कहेगा लो बैटरी, फुल बैटरी करके सो। आधी से कम हो चुकी है ऑलरेडी इसकी बैटरी फुल करने के बाद भी। वेरी नाइस। देखें कैमरे का इसने कुछ फुटेज लिए कि नहीं लिए, मतलब जस्ट होना सी। बंद हो गया होगा शायद ऑलरेडी, कि जी ठंड लग गई मुझे। Oh God, what a temperature this is. स्टैंड बाई पे चला गया, बैटरी खत्म हो गई। वाह ग्रेट, फुल बैटरी थी हर कैमरा में, सबकी बैटरी सुबह उठते ही जैसे ही फर्स्ट शॉट लिया सबकी बैटरी खत्म। और हाथ फील नहीं हो रहे इस टाइम पे, जबकि कोई इतना कुछ टच वच नहीं किया है, एक आध चीज ही टच हुई थी। ओहो, इसको बोलते हैं ठंड। पहली बार मैंने इतनी ठंड फील
फील किया। आई न्यू लोकल्स ने बोला था जिस सुबह गाड़ी स्टार्ट होगी नहीं आपकी, आप लिखवा के ले लो। तो मुझे थोड़ा सा विश्वास था कि जी चलो हीटर है अपने पास में, तो मदद कर देगा अपनी। और सही बता रहा हूँ, उसी ने मदद की। मैं सोच रहा था 5 से 10 मिनट जरूरत पड़ेगी, आधे घंटे से ऊपर हीटर चला, आधे घंटे से ऊपर। ये देखो नज़ारे, ये बीच बीच में डिचेस हैं। चलो रास्ते तो दिख जाएंगे आज कम से कम, इट्स नॉट अ बिग डील। दिक्कत आती है जब आपको रास्ते ना दिखाई दें। तो ऊपर थोड़ी सी गिरी थी बट नीचे इतनी नहीं गिरी। कल थोड़े से एक दो मैंने घुमा दी थी गाड़ी और बर्फ हट गई थी। तो मतलब आई एम टेलिंग यू, मुझे पता था कि यार सिंगल डे वाली स्नो है तो अभी वैसे पिघल जानी है, आप थोड़े से मजे ले लो। तो कई ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाते हैं लोगों को, ओ स्नो खराब कर दिया दिस एंड दैट। भाई हमें पता है कि कब क्या करना है। देखो यहाँ पे कल थी आम खेल रहे थे, यहाँ कुछ नहीं है। सो किसी का भला हो गया उससे, यहाँ पे अभी भी अच्छी खासी है। बट कल जब हम आए थे बिल्कुल फ्रेश पे से चलते हुए आए थे, मतलब एक टायर का निशान नहीं था, बस डॉगी या बकरी बकरी ने वॉक किया था उसके ऊपर। और भाई खारू का रास्ता है 4 घंटे 34 मिनट का, हम हैं अभी 7:22 पे। सो दैट मीन्स 12 बजे पहुँचेंगे उधर, और उसके बाद में कहीं जाने के रहेंगे कि नहीं रहेंगे नो आइडिया।